हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए देखते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। दोस्तों, इस टॉपिक को अगर आप देखें तो ये काफी वाइड टॉपिक है और काफी बेहतरीन टॉपिक है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी भी देश की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट पार्ट है, ये यदि स्ट्रांग रहा तो उस देश की जो है जो वैज्ञानिक प्रगति तो होती ही है, पैरेलली वो समावेशी विकास या कहना चाहिए पैरेलल ग्रोथ, पैरेलल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करती है। कहने का तात्पर्य है कि भारत का एक समृद्ध वैज्ञानिक विरासत रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्य काल हो या आधुनिक काल हो, और भारत की प्रगति, भारत के विकास में इस वैज्ञानिक प्रगति का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ, क्या वैसे बहुत सारे ऐसे तथ्य क्या क्या हैं, इन सब चीजों को आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यदि भारत के विकास को देखें तो भारत के विकास को जनरली हम आजादी के बाद ही पढ़ते हैं, ठीक है, इन अगर ऐसा जनरल तरीके से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे यदि आप वैज्ञानिक प्रगति को देखेंगे तो ये प्राचीन काल में भी बहुत समृद्ध रही है, मध्य काल में हालांकि समय था कि जब विदेशी शासक आए, ब्रिटिशर्स आए, तो इसके कारण जो प्रगति का जो पहिया था वो थोड़ा थमसा गया था, बट ग्रेजुअली वो फिर से आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। दोस्तों, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका सभी टॉपिक के साथ पैरेलल हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कनेक्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो यहां पे इस चीज को समझिए कि भारत में वैज्ञानिक प्रगति को हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे और उसके पहले के कुछ फैक्ट्स वगैरह मैं आपको नोट भी करा दूंगा। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले भारत की वैज्ञानिक प्रगति को यदि आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं तो आपको यहाँ पे जो वैज्ञानिक नीतियां हैं इसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक होता है। ये टॉपिक को मैं फिर से कवर नहीं करूंगा क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर वन है वो इसी पे बेस्ड है, भारत की विज्ञान नीतियों का, ठीक है। जिनको नहीं जो मालूम इसके बारे में तो एक बार वो टॉपिक जरूर देख लें, लेक्चर वन। तो जनरली उस समय क्या था कि भारत अपनी पहली वैज्ञानिक नीति कब लाता है, 1958 में जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी नीति आती है 1983 में, जब कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस समय, थी द आयरन लेडी इंदिरा गांधी। उसके बाद देखते हैं 1993 में फिर से एक नीति आती है, पीवी नरसिम्हा राव साहब थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। और वर्ष 2003 में फिर से एक हमारी नीति आती है, विज्ञान नीति, इस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और उसके बाद देखते हैं 2013 में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब हमारी अगली विज्ञान नीति आई। उसके बाद जो है अभी हम एक टेक्नोलॉजी विजन या प्रौद्योगिकी विजन को फॉलो करते हैं 2035 को, ठीक है, ये नीति नहीं है, याद रखना, ठीक है, इसकी नीति अभी आएगी 2013 के बाद, अगली विज्ञान नीति आएगी, लेकिन 2035 जो है वो क्या है, प्रौद्योगिकी विजन है। ये सब का डिटेल उल्लेख लेक्चर वन में है विद क्वेश्चंस, आप उसमें जरूर देख लेना। अब यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे उन्हीं वैज्ञानिक नीति में आपको बहुत सारी चीजें छुपी हुई मिलेगी, वहां पे हम उनके उद्देश्यों को हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पैरेलली भारत में अलग अलग टेक्नोलॉजी का उद्भव किस प्रकार हुआ, किस प्रकार वो डेवलप करता गया, और आज हम किस प्रकार एक बड़े मुकाम पर खड़े हैं। तो यदि हम भारत की वैज्ञानिक प्रगति को देखते हैं तो वहां पे आपको एक चीज समझ आएगी कि किसी भी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक पहुंचने में, या कहना चाहिए इस डेवलपिंग फेज तक पहुंचने में, तो किसका योगदान रहा है, वो है इसका स्ट्रक्चर या संरचना का। इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में किसकी संरचना की बात कर रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का जो इनिशियल फेज है और जो अभी का जो लेटेस्ट फेज है उसके बीच की जो जर्नी रही है, उसके बीच में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं, प्रयोगशालाएं हैं, जिनके कारण एक हाई लेवल पे रिसर्च संभव हो पाया, हाई लेवल पे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में,
समझ रहे हैं? तो इस संरचना को हम पढ़ेंगे। इस संरचना में यदि आप देखें तो भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितनी भी नीतियां हैं या गतिविधियां हैं, ठीक है, भारत में विज्ञान की जितनी भी गतिविधियां हैं वो 6 डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। वो 6 डिपार्टमेंट कौन कौन से, यहां पे इसे समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे इसी क्रम में आप नोट करते चलिए, ठीक है, 3, 4, 5 और 6, ठीक। सबसे पहले देखते हैं वो होता है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 1971, ठीक। उसके बाद देखते हैं दूसरा है वो है दैट इज DSIR, ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक। तीसरा है आपका DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ओशनिक डेवलपमेंट, ठीक है, महासागरी विकास विभाग। उसके बाद देखते हैं POS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, और द लास्ट वन दैट इज DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इस चीज को आप समझिए, ये पूरा स्केलेटल है, पूरी एक संरचना है। ये वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है या प्रीमियर डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत विज्ञान नीतियां या कहना चाहिए नीति आयोग आगे की एग्जीक्यूशन को, गतिविधियों को संचालित करती है। तो क्या क्या है, मैं रिपीट करूंगा, मैं हिंदी में रिपीट करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग, 1971 में स्थापना हुई थी। दूसरा है DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या है, ये है आपका वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ठीक है। उसके बाद है DBT, DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ ओशनिक डिपार्टमेंट ऑफ ओशनिक डेवलपमेंट, महासागरीय विकास विभाग। और उसके बाद देखते हैं DOS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, अंतरिक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके बाद देखते हैं DOS, DOS क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है। ये क्या है आपका, देखते हैं कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो स्केलेटन है, जो संरचना है, इसी के आधार पर बनी है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको कि इनका जब यदि स्थापना वर्ष अगर आपको पूछा जाए कब कब हुआ था, इन सब चीजों को नोट करिए आप, ये समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, वो स्केलेटन है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ और भी ऐसे संस्थान है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICMR, अभी हाल ही में काफी न्यूज पे है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एक तीसरा नाम है CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहां देखिए ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, भारत में जो कृषि एवं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं उसके लिए काफी हेल्प करती है। और यहाँ पे इसकी यदि स्थापना देखा जाए तो ये काफी पहले हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ था। अगर आप ईयर नोट करना चाहें, दैट इज 16 जुलाई 1929, 1929 में, है ना, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हो गई थी। ICMR, जिसे पहले क्या कहा जाता था, इरफा कहा जाता था, इरफा का फुल फॉर्म अगर आप नोट करना चाहें, दैट इज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बट ये बाद में, ये कब बना था, 1911 में बना था, ठीक है, लेकिन ICMR कब बना पूछा जाए तो 1949 आप नोट करिएगा, क्योंकि इस समय इसका वास्तविक नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है बना, ठीक है। CSIR, इसकी स्थापना काफी पहले हो गई थी, 1942 में हो गई थी। और भारत में जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान जो होते हैं, या कहना चाहिए भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रिसर्च वगैरह होता है, या कहना चाहिए जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह होते हैं, उसमें जो प्रोत्साहन का काम कौन करता है, CSIR करता है।
ठीक है, और ये भारत में वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कहना चाहिए, या रिसर्च का डिपार्टमेंट है कहना चाहिए, जो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए बहुत ज्यादा काम करती है और बहुत ज्यादा इसका जो है एरिया है, कवरिंग एरिया है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो ये वो स्केलेटल है, जो ढांचा है कहना चाहिए, जो भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे संस्थान आप नाम सुनते हैं, DRDO नाम सुनते हैं, है ना, आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सुनते हैं या इसरो सुनते हैं, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग, इसरो आ गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये उसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा देखते हैं आप, देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है ना, और इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल रिसर्च का डिपार्टमेंट है। ये सब जो है ओवरऑल जो है इसके एक मजबूत संरचना को प्रदर्शित करते हैं। आइए अब इसे वन बाय वन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जब भी आप उल्लेख करेंगे तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझ में आनी चाहिए। वो क्या है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो है नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है, क्यों मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूं उसका रीजन समझिए, क्यों इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में केवल ये नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लेवल पे है ये पुरस्कार, और ये क्या है, प्रोत्साहन के लिए ही है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है और हर वर्ष दिया जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के संदर्भ में इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसे देखिए, फिर हम डिटेल पढ़ना प्रारंभ करते हैं डेवलपमेंट पार्ट। तो यदि आप देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो व्यक्ति है वो देखते हैं भारत में, वो है सीवी रमन। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नाम भी उल्लेखित जरूर है, लेकिन आप उसको, क्योंकि भारत का लिस्ट है इसलिए मैं इसको इस लिस्ट को दे रहा हूँ। ठीक है, सीवी रमन है जो फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए मिला था 1930 में, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक, उसके बाद देखते हैं आप, अगला जो नाम है वो है हरगोविंद खुराना, 1968 में मिला है उनको, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, जेनेटिक कोड, है ना, नीरनबर्ग एवं मथाई के साथ इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड भी कहेंगे। और उसके बाद देखते हैं वेंकट राम कृष्णन, जो केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला था, और जिन्होंने जो है किसके बारे में बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोमल या राइबोसोम की जो एक्टिविटी, सक्रियता के बारे में बताया था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, और चंद्रशेखर कांस्टेंट चंद्रशेखर नियतांक के लिए। ठीक है, ये इसको बताने का मेरा पर्पस ये है कि यदि भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी को देखें तो बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारे पास हो रहा है और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है और आने वाले समय भी रहेगा। यहाँ पे देखिए, नोबेल पुरस्कार वाली इस लिस्ट के बाद यदि आप देखिए भारत में, तो हम टेक्नोलॉजी एवं डेवलपमेंट को कितने अलग अलग टेक्नोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसे इसी क्रम में आप नोट करिए, रक्षा प्रौद्योगिकी है, भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी का है। दूसरा है आप अंतरिक्ष को देखते हैं, ठीक। तीसरा आप क्या देखते हैं, परमाणु प्रौद्योगिकी को, या नाभिकीय प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कृषि एवं जैव तकनीक यानी बायोटेक्नोलॉजी, ये है सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक, ये समझ रहे हैं। और उसके बाद आएगा आपका दो और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, एक है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक है नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके बाद जो है देखते हैं दैट इज ऊर्जा प्रौद्योगिकी। ठीक है,
तो भारत में यदि हम भारत के विकास को देखिए, भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार हुआ, तो आइए देखते हैं इनके ईयर्स को। ये ईयर्स जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीएसटी इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक, ये मैं किस लिए ईयर लिखा रहा हूँ कि आपको ये समझने में थोड़ा आसानी होगा कि किस प्रकार ये डिपार्टमेंट अस्तित्व में आते गए और किस प्रकार ग्रेजुअली हम जो पहले अनऑर्गेनाइज थे अब थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ना प्रारंभ किए। तो जैसे हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1971 में हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डीएसआईआर, ठीक है, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी, और डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना 1986 में हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ ओशनिक डेवलपमेंट, ठीक है, महासागरी विकास विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना वो हुआ था 1972 में, और डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ गए। और तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में आए, लेकिन इसके पहले भी आजादी के पूर्व भी इसका डेवलपमेंट हुआ है, जिसे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे समझिए, फिर उसका मैं प्रॉपर तरीके से डिटेल बताऊंगा। अब मान लो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है या होना है, या कोई पॉलिसी मेकिंग होनी है, या आप उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की गतिविधियां होनी है, तो रिलेटेड डिपार्टमेंट क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, या रिलेटेड डिपार्टमेंट के तहत वो एग्जीक्यूट होती है। जैसे इसरो, इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आ जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जो है वो किसके अंतर्गत आया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, या न्यूक्लियर जितने भी नाभिकीय जो है रिसर्च होता है, परमाणु का जो रिसर्च होता है उसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का इसके अंतर्गत आ जाएगा। डीएसटी के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे चीजें आ जाएंगी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे इसको नोट कराने का पर्पज क्या है आपका, इसमें ये चीज समझ आएगा कि कौन सा पहले है कौन सा बाद है, कई बार सीक्वेंस पूछा भी जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप देखें भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को, तो भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि आजादी की बात से लेकर टिल डेट तक आज हम जहां पे भी खड़े हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है और कौन सा इमर्जिंग फेस में है या लेट से आया है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। इसीलिए इसका एक प्रॉपर नोट आप यहाँ पे बनाना प्रारंभ करें। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में प्रौद्योगिकी या भारत में टेक्नोलॉजी का विकास, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो जैसे पहला देखते हैं हम रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक, उसके बाद देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक, उसके बाद देखते हैं आप परमाणु प्रौद्योगिकी या नाभिकीय प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं, परमाणु प्रौद्योगिकी आया। उसके बाद हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी, या आप देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, या हम कृषि प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं, है ना। ठीक, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, हालांकि दोनों का अपना एमर्जिंग पार्ट अलग अलग है। ठीक है, जैसा आप लिखना चाहें, ये समझ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे इसके पूर्व, तो इसे यहाँ पे नोट करना हमें जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऊर्जा जो है अपने आप में बहुत सारी चीजों को समाहित किया होता है, और ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा प्रौद्योगिकी का जो डिटेल है वो उसी में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे इसको मैं नोट कराने का पर्पस मैं बता रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड ईयर हो, इनसे रिलेटेड फैक्ट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या देखते हैं, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, कौन से महत्वपूर्ण शख्सियत इससे रिलेटेड है, और कौन सा महत्वपूर्ण संस्थान इसमें रिसर्च में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब चीजों को हम नोट करना प्रारंभ करते हैं।
तो सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में जब भी बात करेंगे तो जो इकाई या जो संस्था है वो क्या है, डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, ठीक। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर भी नोट कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, है दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन है कौन है वो आप नोट करना प्रारंभ करें। तो यहाँ पे इसके चेयरमैन है, जैसे मैं करंट डेटा के हिसाब से देखता हूँ तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, और हेडक्वार्टर दिल्ली है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, ठीक है, ये इसके चेयरमैन है, किसके, डीआरडीओ, समझ रहे। तो यहाँ रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत में जो विकास हुआ है उसके लिए जो महत्वपूर्ण संस्था जो काम किया है, जो महत्वपूर्ण संस्थान का योगदान है वो कौन सा है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन। अंतरिक्ष में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरमैन कौन है, डॉक्टर के सिवन, के सिवन है, ये समझ गए। उसके बाद देखते हैं परमाणु भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और इसकी स्थापना वर्ष अगर आप नोट करना चाहें अकॉर्डिंगली, 3 जनवरी 1954, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे ये कहां पे है, नियर मुंबई, ठीक। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, ये नोट कर लीजिए, दैट इज डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ठीक है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती इसके चेयरमैन है। सूचना प्रौद्योगिकी में जब भी देखते हैं तो सूचना, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी काफी लेट से आई, 1985 के दशक के बाद से या 1985 के समय से ये आना प्रारंभ हुआ। जनरली देखते हैं कि इसमें जो हुआ क्या है, हालांकि हम देखते हैं कि सूचना का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 1985 के बाद ज्यादा हुआ, लेकिन सूचना का प्रौद्योगिकी का एक जो उद्भव काल है जब आर्यभट्ट वगैरह हमने छोड़ा 1975 में, तब से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इसे इसमें जो अभी योगदान दे रहा है जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो क्या है, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। इसकी स्थापना देखते हैं एनआईसी का है 1976, ठीक है, समझ रहे हैं, 1976 है, और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे है वो है दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, और इसके जो है चेयरमैन है वो है नीता वर्मा, नीता वर्मा, ठीक। और बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी भारत में अगर इसे समझना चाहे, वैसे तो देखा जाए 1972 को बायोटेक्नोलॉजी का उद्भव वर्ष माना जाता है, द एमर्जिंग ईयर माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी 1972 में कहे, लेकिन इसके पूर्व में क्या हुआ था, भारत में 1967, 68 और 69 के जो हॉलीडे पीरियड था उस समय भारत में क्या आई थी, हरित क्रांति आई थी, ठीक है। तो हरित क्रांति को अगर आप कृषि में लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो है हरित क्रांति अल्टीमेटली वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें भी ब्रीडिंग वगैरह आप कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे नाम नोट करते हुए सीधा मैं बता रहा हूँ 1972 इसका जो है उद्भव वर्ष है, ये मान के चलिए। और उसके बाद यदि हम कृषि में बात करते हैं तो जो महत्वपूर्ण संस्था क्या है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आजादी के पहले हुई थी 1916 में, ठीक है, नोट करिए, ICAR जो है, सॉरी 1929 में, सो 1929 में
16 जुलाई है 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी यदि देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है 1959 के समय में जनरली माना जाता है कि इसका उद्भव हुआ था, लेकिन भारत में जो है इसमें जो एक्चुअल में काम होना प्रारंभ हुआ ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित तरीके से वो वर्ष 2001 के समय में हुआ। ठीक, जब नैनो मिशन बना जो प्रोफेसर सी एन आर राव जो नोबेल प्राइज विनर हैं उनके अंतर्गत सॉरी जो भारत रत्न अवार्डी हैं उनके अंतर्गत ये आपका क्या है फाइनली प्रारंभ हुआ। ठीक है, उनके नेतृत्व में ये नैनो मिशन प्रारंभ हुआ और आज जो है पुणे बेंगलोर जैसे संस्थान जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नैनो टेक्नोलॉजी में भारत का एक बहुत ही अच्छा स्थान है आज के डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें, पहला कि ये जो टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूं इस टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा भी शख्सियत रहा होगा जिसका योगदान बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान हस्ती हैं जिन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जो है जनक कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई वो कहा जाता है जो हम अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी वाले क्लास में भी पढ़ेंगे, ये समझ एक महत्वपूर्ण शख्सियत। लेकिन जब डीआरडीओ की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, तो खास कर एक जो महत्वपूर्ण नाम है जैसे भारत में जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, ठीक है वो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो उसके अंतर्गत क्या था कि एकीकृत जो है मिसाइल जो है विकास का जो स्कीम आया, तो IGMDP जब आया वो क्या था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब आया तो उसमें क्या है उसमें जो महत्वपूर्ण शख्सियत का नाम क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उनको मिसाइल मैन कहा जाता है और मिसाइल वुमेन किनको कहा जाता है टेसी थॉमस को कहा जाता है। IGMDP के तहत में बताया था कि IGMDP के तहत तीन जो पांच मिसाइल है पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश, ये महत्वपूर्ण पांच मिसाइल का डेवलपमेंट डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में हुआ है और इसे वर्ष 2008 में संपूर्ण कर लिया गया। ठीक है, पूरा हो गया था। उसके बाद 2008 के बाद इनकी कमान जो है टेसी थॉमस के हाथ में आ गई और अग्नि सीरीज के जो है जो डेवलपमेंट हुए अग्नि सीरीज जो है अग्नि सिक्स जो सुनते हैं अग्नि फाइव तक तो डॉक्टर कलाम का योगदान था लेकिन अग्नि सिक्स अग्नि सेवन की जब बात हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है टेसी थॉमस का नाम आता है इसलिए उनको मिसाइल वुमेन कहा जाता है। ये समझ गए, तो ये महान शख्सियत रक्षा क्षेत्र में समझ गए। इसके अलावा और बहुत सारे नाम है जो पोखरण में मदद किए थे। ठीक है, तो डॉक्टर अनिल काकोडकर है, डॉक्टर चिदम्बरम साहब है और डॉक्टर ये APJ अब्दुल कलाम तो है ही, ये महान शख्सियत का नाम है इनसे रिलेटेड। इसके अलावा जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके जनक हैं, लेकिन आज के डेट में के सीवन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इनके नेतृत्व में हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। जैसे गगनयान है वो होने वाला है बस 2022 में, इसके अतिरिक्त हमने मंगलयान को किया, इसके अतिरिक्त हम सॉरी मंगलयान डॉक्टर राधाकृष्णन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, वो भी बड़ी हस्ती है। इसके बाद देखते हैं कि जो चंद्रयान 2 हुआ था इन्हीं के अंतर्गत हुआ था, तो ये समझ रहे हैं, तो ये वो बड़ी शख्सियत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो जब भी हम एटॉमिक रिसर्च की बात करते हैं तो भाभा नाम आ गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, जिनकी मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR जो है वो बना था। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में बना था, जो टाटा ट्रस्ट का भी उनको सहयोग मिला था। ठीक है, तो वो महान शख्सियत है। इसके अलावा जैसे देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यदि हम देखें तो ये इसमें एक कलेक्टिव जो है एफर्ट लिया गया था, सामूहिक इसमें जो है प्रयास किए गए हैं। और जब बायोटेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो आपने किरण मजूमदार सौ का नाम सुना होगा, जो बायोटेक्नोलॉजी भारत में जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर किरण मजूमदार सौ। ठीक है, और जब कृषि की बात करते हैं तो डॉक्टर BP पाल का नाम नोट करना ना भूलें। डॉक्टर BP पाल कौन है, डॉक्टर BP पाल जो है ICAR के पहले चेयरमैन है, पद्म भूषण अवार्डी है और ICAR कब बना था 1929 था, तो बिफोर इंडिपेंडेंस उनका योगदान आप देखिए।
तो डॉक्टर बीपी पाल का नाम जरूर नोट करिए, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे नोट करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी में, तो दो महान ऐसे साइंटिस्ट जो हैं, इनका नाम यहाँ पे नोट करना बहुत आवश्यक है, वो क्या है, एक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और दूसरा है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, भारत में हरित क्रांति लाई थी 1969 के आसपास, जब हॉलिडे पीरियड खत्म हो रहा था, क्योंकि हरित क्रांति किसी एक वर्ष में नहीं आती, वो पूरा एक लंबा पीरियड होता है, लंबी अवधि होती है। तो 1970 के दशक के बाद भारत जो है खाद्यान्न या अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, खासकर गेहूं, जिसकी बहुत ही उन्नत वैरायटी इन्होंने डेवलप की थी। क्या क्या था, लर्मा रोजा, सोनारा 64 और सरबती सोनारा। तो इनका योगदान के कारण जो है कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, ये समझ गए। और इसके बाद यदि हम देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी को, नैनो प्रौद्योगिकी में जो होता है, जो है भारत में नैनो प्रौद्योगिकी जो जनक है वो किनको कहा जाता है, डॉक्टर सीएनआर राव को कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हैनमैन को कहा जाता है, हैनमैन उनको कहा जाता है नैनो प्रौद्योगिकी जो जनक है। भारत में किनको कहा जाता है, डॉक्टर सीएनआर राव, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक और नाम अगर नोट करना चाहें, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर पूछा जाए, तो डॉक्टर लालजी सिंह है, जो बीएचयू से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इनका नाम नोट करिएगा, ठीक है। तो ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो भारत में अलग अलग टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस होता गया, उद्भव होता गया। और संरचनाएं क्या थी, इसके पूर्व में बताया था जो 6 महत्वपूर्ण विभाग है उनके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो है आगे बढ़ रही है, ये समझ गए। और यदि आपको इसके अलावा बहुत सारी और जो दूसरी जानकारियां जो यहाँ पे नोट करना है, तो जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी को डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने स्पेस को पढ़ा है, ठीक है, अगली जो क्लास हमारी होगी वो क्या है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की होगी, तो उसमें हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो उसी का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट बताएगा कि किस प्रकार उसका विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद देखते हैं कि जो बाकी जो पार्ट है, रक्षा प्रौद्योगिकी आपके सिलेबस में नहीं है एसीएफ में, फिर भी मैं बता देता हूं कि कुछ जो चीजें जो एग्जाम के एग्जामिनेशन पॉइंट है वो एक जनरल तरीके से पूछी जा सकती है, हो सकता है करेंट का पार्ट हो या कुछ भी हो, जैसे कि राफेल अभी आया है भारत में, ठीक है, फ्रांस से हम आयात किए हैं, या ब्रह्मोस का जो उन्नत जो वैरायटी है, वो सब चीजों को मैं पैरेलली नोट कराऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नोट समझ रहे कि भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास का जो ओवरऑल एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है। तो तीन बातें मैंने आपको बताई, पहला भारत की विज्ञान नीति को पहले देखिए 1958 से लेकर 2013 तक, या कहना चाहिए 2035 के प्रौद्योगिकी विजन तक। दूसरा कि कौन कौन से संरचनाएं हैं, कौन कौन से जो है मदर इंस्टीट्यूट है या मदर जो है डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो डीएसटी से लेके मैंने क्या बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तक, जो 6 विभाग मैंने बताया। उसके बाद ये कौन कौन से हैं, ये भारत में प्रौद्योगिकी विकास में योगदान देने वाले वो महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनके कारण जो है तेजी से विकास हो रहा है, ये समझ गए। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे और हम इसके एंशियंट पार्ट को या मॉडर्न पार्ट को अगर आप नोट करना भूल जाए तो इसके साथ ये न्याय बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए मैं उन सभी महत्वपूर्ण डेटा को या फैक्ट को नोट कराता हूं जो एंशियंट समय में भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के समय बहुत महत्वपूर्ण रहे थे, मध्यकाल में रहे थे और आधुनिक काल में भी हैं। यहाँ पे सभी साइंटिस्ट का नाम या सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना संभव नहीं है, फिर भी मैं एक अच्छी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे नोट करना प्रारंभ करिए या मैं इसे पीडीएफ के तौर पे भी अपलोड जरूर करा दूंगा, ठीक है। वो क्या क्या है देखिए, इसको अगर आप नोट करें तो यहाँ पे बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पे लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये देखिए भारत की जो समृद्ध वैज्ञानिक विरासत है, प्राचीन काल में क्या रही थी, मध्यकाल में क्या है, आधुनिक काल में किन किन नाम को हम नोट करते हैं, कि आपको ये विजिबल है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं इसके साइज को,
तो उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। अब देखते हैं जैसे कि बोधायन, बोधायन का योगदान क्या है, पाइथागोरस प्रमेय इन्होंने दिया था, सुलभ सूत्र की ज्यामिति दी थी, द्विकर्णी का मान दिया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये सब चीजें जाननी चाहिए, क्योंकि ना किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में। दूसरा, आर्यभट्ट का नाम, जिनके कारण आज जो भी डेवलपमेंट है वो है बिकॉज जब हम शून्य ही नहीं देते तो ये सब डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता। तो भारत ने जब शून्य दिया, किन्होंने इसका डिस्कवर किया था, शून्य की खोज किन्होंने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। अक्षर पद्धति, पाई का मान इन्होंने दिया था। ग्रहों एवं ग्रहणों की व्याख्या इन्होंने की थी। आर्यभट्टियम जिसमें 121 श्लोक है, काफी महत्वपूर्ण इनकी संरचना है, रचना है, और वर्गमूल घनमूल हो, ठीक है, समझ रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, पिरामिड का आयतन हो, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो, ये सभी अवधारणा इन्होंने दिया था। ठीक, कौन, आर्यभट्ट। इसके बाद जो है ब्रह्मगुप्त, जिन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जहा जाता है, वो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उन्होंने दिया था, सूर्य सिद्धांत दिया था, ऋणात्मक अंकों से संबंधित सभी नियम इन्होंने दिया था। ठीक है, तो समझ रहे कि -2 और +3 को जोड़ दें तो क्या होगा, ये वाला जो चीजें जो है ये इसी समय में आ गया था। ठीक है, तो ये ऋणात्मक अंकों से संबंधित जो नियम है इन्होंने दिया था। भास्कराचार्य, लीलावती इनकी महत्वपूर्ण संरचना रचना है, बीजगणित सिद्धांत शिरोमणि की खोज इन्होंने की थी, या इनका इनका रचना इन्होंने किया था। वराह मिहिर, महान खगोलविद, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता आदि इन्होंने रचना किया था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में देखते ही कुछ और नाम आता है, तो वो है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, वो है देखते हैं कि सवाई मान, यहाँ पे देखिए राजा सवाई जयसिंह, उन्होंने 5 वेदशाला का निर्माण किया। ठीक है, वेदशाला का निर्माण किया जो कहाँ पे है, जयपुर में है, और सुश्रुत, सुश्रुत संहिता की उन्होंने रचना की थी, चरक, चरक संहिता की संरचना की थी। ठीक है, और ये जो है सुश्रुत चरक, ये क्या है, बहुत बड़े लेवल पे चिकित्सक रहे हैं, या कहना चाहिए मेडिकल साइंस जो है आज भी इनके डिस्कवरी को समझता है, उसका काफी सम्मान करता है, क्योंकि उस समय डिस्कवर की गई चीजें आज भी उतनी ही यूजफुल है। ठीक है, श्रीधराचार्य, इन्होंने क्या दिया था, दशमलव का प्रयोग इन्होंने बताया था, और बीज गणित का जनक इनको कहा जाता है, गणित सार भी इन्होंने फाइनली रचना की थी। कणाद का नाम कौन भूल सकता है, जिन्होंने अणु सिद्धांत दिया है, और वैशेषिक दर्शन इनकी रचना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो ये जो लिस्ट है ना, ये आपका प्राचीन काल मध्यकाल हो सकता है, वो दोनों एक साथ भी आप इसे नोट कर सकते हैं। मध्यकाल का मतलब ये इतिहास वाला मध्यकाल नहीं है, ये जो है भारत में जो वैज्ञानिक प्रगति का जो समय रहा है, कि प्राचीन काल में जो बहुत एंशियंट समय में क्या था, फिर मध्यकाल में क्या था, और बीच में बहुत सारी चीजें हमें स्किप भी किए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जो चीजें उनको हमने यहाँ पे नोट किया है। और आधुनिक समय में अगर हम देखते हैं, जो है देखा जाए आधुनिक समय में, यहाँ पे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नाम आता है, इनका नाम आप नोट करना प्रारंभ करें, ये भी काफी महत्वपूर्ण लिस्ट है। जैसे कि हमने इसके पूर्व में देखा था सीवी रमन, ठीक है, रमन प्रभाव के लिए उनको क्या है, रमन प्रभाव के लिए इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, पहले एज ए ईसीआई पर्सन थे। ठीक है, उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पीसी रॉय भी कहा जाता है, भारतीय रसायन शास्त्र का फादर इनको कहा जाता है, केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, बंगाल केमिकल्स के संस्थापक हैं, और 1896 में मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज इन्होंने की थी। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा जनक, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो फादर इनको कहा, किनको कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, और परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, और भारत का पहला ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का निर्माण
डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एम विश्वेश्वरैया प्रख्यात इंजीनियर थे, भारत रत्न अवार्डी हैं ये, और आधुनिक भारत के निर्माता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो विश्वेश्वरैया सम्मान दिया जाता है कि इन्हीं की याद में दिया जाता है, बहुत ही फेमस इंजीनियर रहे हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, और जो जितनी भी आप प्रयोगशालाएं देखते हैं, ठीक है, ये इन्हीं का ही पूरा कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि सीएसआईआर की स्थापना जब हुई तो इन्हीं के कारण हुई थी वो 1942 में। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का योगदान सीएसआईआर में है और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन रहे। और भारत में आज जब देखते हैं कि डीआरडीओ का करीब 55 लैब है, या आईसीएमआर के बहुत सारे लैब अभी कोरोना काल में स्थापित हो रहे हैं, तो इसका स्टार्टिंग फेज उस समय हुआ था, या किसी भी जो लैब होता है वो लैब में इनका बहुत बड़ा लैब का जो स्थापना है, भारत में बहुत सारे लैब हैं, चाहे वो आईसीआर के अंतर्गत आता हो, चाहे वो आईसीएमआर के अंतर्गत आता हो, ठीक है, ये सब का जो लैब का जो कॉन्सेप्ट है इनको इन्होंने ही दिया था, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने। और 1942 में जो है स्थापना सीएसआईआर की स्थापना इन्हीं के कारण हुई थी, इनके नेतृत्व में हुई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर नियतांक या चंद्रशेखर कांस्टेंट के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके पूर्व में, ठीक है, हम देख चुके हैं इसे। और सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने बोसान कणों की खोज की थी, बोसान कण खोज की थी, ये एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर इनको सम्मान दिया गया कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा, क्वार्क वगैरह, तो उसी प्रकार एक बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, जो बोस आइंस्टीन जो सांख्यिकी बनता है, स्टैटिस्टिक्स बनता है। इसके बाद देखते हैं सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिनके सम्मान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके सम्मान में जो सूक्ष्म कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो सुनते हैं, वैसे ही एक सूक्ष्म कण होता है जिनको उनको सम्मान में बोसान कण कहते हैं, ठीक है, बोसान कणों की खोज इन्होंने की थी। और आइंस्टीन के साथ बोस आइंस्टीन सांख्यिकी भी इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। मेघनाथ साहा, महान खगोल वैज्ञानिक, थर्मल आयोनाइजेशन सिद्धांत इन्होंने दिया था। और श्री निवास रामानुजन, भारत के महान गणितज्ञ है ना, इनको कहा जाता है रामानुजन पुरस्कार भी इन्हीं की याद में दिया जाता है। जेसी बोस, भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक, इनको कहा जाता है, ठीक है। और जैसे आधुनिक भारत के निर्माता किनको कहा जाता है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया को, इसी प्रकार इनको कहा, क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक। और 1988 में वायरलेस रिसीवर का आविष्कार भी इन्होंने किया था, हालांकि बाद में इसका श्रेय जो है दूसरे वैज्ञानिक ले गए, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए इसे। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, और इनको क्या, इनका क्या योगदान है ये नोट करिए। 1969 में इसरो की स्थापना इनके नेतृत्व में हुई थी, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन्हीं के नाम पर स्थापित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना इनके नेतृत्व में हुई थी अहमदाबाद में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये पूछा जा चुका है पीएससी में, ये पूछा जा चुका है, तो इसका आप इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जेनेटिक कोड की इस खोज जो है, ये भी पूछा जा चुका है आपके पीएससी में, और जेनेटिक कोड की खोज इन्होंने की थी नीरेन मार्गर और होले के साथ 1968 में, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और बीरबल साहनी, पेलियोबॉटनी के जो जनक हैं, ठीक है, तो पेलियोबॉटनी के जो जनक हैं, इनको कहा जाता है डॉक्टर बीरबल साहनी को, है ना, डॉक्टर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, इन्हीं के नेतृत्व में जो है जो स्थापित हुई थी। पौधों की उत्पत्ति एवं जीवाश्म पर खोज इन्होंने किया था। डॉक्टर सलीम अली, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत में पक्षी विज्ञान के जो जनक हैं इनको कहा जाता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, और आईजीएमडीपी जिसको मैंने कहा था, है ना, एकीकृत जो है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इनके जनक है, और भारत रत्न इनको भी मिल चुका है।
प्रोफेसर यूआर राव, ठीक है, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ये भी रहे हैं। और दो तीन नाम और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक तो आप नोट कर लीजिए किनका, डॉक्टर बी पी पॉल, ठीक है, वो आईसीएआर के पहले चेयरमैन, ठीक। इसके अलावा और क्या नाम ले सकते हैं, डॉक्टर के सीवन का नाम ले सकते हैं, के सीवन का आप नाम नोट कर सकते हैं। इसके अलावा डेसी थॉमस का नाम आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब डेसी थॉमस मिसाइल वेमैन है। इसके अलावा बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ और नाम के साथ हम इसे देखते हैं। सीएनआर राव देखते हैं, भारत रत्न 2014 में इनको मिल चुका है और सॉलिड स्टेट एवं मटेरियल केमिस्ट्री के जो है काफी बड़े विशेषज्ञ रहे, इनके कारण इनको काफी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है काफी ख्याति मिली थी। अनिल काकोडकर प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। पोखरण 2 में इनका विशेष योगदान रहा है। इनके कारण जो तीन महान साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अनिल काकोडकर और डॉक्टर चिदम्बरम, इनके नेतृत्व में ये जो पोखरण 2 सफल हुआ था। और जो अभी प्रौद्योगिकी विजन 2035 जो है ना, वो डॉक्टर अनिल काकोडकर के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है। एजी थॉमस मिसाइल वेमेन ऑफ इंडिया, अग्निपुत्री कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 में विशेष योगदान रहा। और इसके बाद अग्नि सीरीज की जितने भी आगे डेवलपमेंट डॉक्टर जो सॉरी टेसी थॉमस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर जो है वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। और राइबोसोम की संरचना एवं कार्यप्रणाली में इन्होंने शोध किया था, ठीक है। और पीसी महालनोबिस का नाम आप जरूर नोट करिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद। और जैसे कि हम महालनोबिस मॉडल देखते हैं ना 5-ईयर प्लान्स में, ये वही महालनोबिस हैं, ठीक है। प्रशांत चंद महालनोबिस जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सांख्यिकीविद रहे, स्टैटिस्टिशियन, और महालनोबिस दूरी एवं सांख्यिकी माप इन्होंने दिया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाम मैं नोट जरूर कराना चाहूंगा, डॉक्टर बी पी पॉल का जो भारत में आईसीएआर के पहले चेयरमैन रहे हैं, ठीक है, ये समझ गए। इसके अलावा के सीवन का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम भी नोट कर सकते हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं। ये सभी भी डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में क्या हुआ था, मंगलयान जो है सक्सेसफुली हुआ था। और डॉक्टर के सीवन के नेतृत्व में क्या है, वो चंद्रयान 2 जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है आने वाले भविष्य में होने वाले हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत की जो समृद्ध वैज्ञानिक विरासत रही है, इसी विरासत को मैं आपको ये बता रहा था। ये आज हमारा ये फेज 1 की क्लास है। फेज 2 में कुछ और महत्वपूर्ण डेटा के साथ भारत की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसे पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।